और खबरों में आगे बढ़ते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 2 जुलाई को कोटा का दौरा है और महारैली का भी आयोजन होगा, जिसे लेकर कोटा में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तो वहीं वसुंधरा राजे के दौरे के पूर्व ही कोटा के भाजपा की गुटबाजी भी साफ नजर आ रही है। कई भाजपा विधायक और बड़े भाजपा नेता इस महारैली से किनारा कर चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यक्रम को निजी कार्यक्रम बता रहे हैं। शहर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी ने कहा कि उन्हें वसुंधरा राजे के दौरे की जानकारी नहीं मिली है। हमारे पास जो पार्टी के कार्यक्रम है उनमें वसुंधरा जी का भी कोई नाम नहीं है। नहीं नहीं, पार्टी ये तो ऊपर से तय करते हैं कि किनको भेजना है। कार्यक्रम उन्होंने दिए, वो कार्यक्रम करने ऊपर से प्रदेश से कौन आएगा या केंद्र से कौन आएगा, ये नाम हम तय नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कोटा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कई विधायक ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता इस मामले को निजी कार्यक्रम बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन से बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कौन से इस मामले से पूरी तरह से किनारा कर लेंगे। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। उधर राजसमंद के पिछोरा गांव में पिछले 15 दिनों से पैंथर की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैंथर ने पिछले 3 दिनों में 4 बकरियों का शिकार कर दिया है। इसके बाद ग्रामीण काफी सहम गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के बताए अनुसार पैंथर के आने जाने वाले ठिकानों पर पिंजरा लगाया गया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से पैंथर से सावधान रहने की भी अपील की है। उधर सिरोही के गोयली चौराहे और विजय पताका के बीच 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक ट्रक के अंदर ही फंस गया। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा शिवगंज से आए सिरोही से पहुंच रहे थे। सड़क पर दुर्घटना देखकर विधायक ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और लोगों की मदद से ट्रक में फंसे घायल को बाहर निकाला और अपनी गाड़ी में चालक को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंच गए। सिरोही से अभी शिवगंज आ रहा था तो शिवगंज से सिरोही वाले रास्ते पे 2 ट्रक की दुर्घटना हो गई। उसमें ये ड्राइवर फंसा हुआ था और तो नागरिकों के सहयोग से उसको निकाल कर भी अस्पताल लेके आए हैं। डॉक्टर ने प्रारंभिक उपचार किया है, उसकी स्थिति ठीक है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। कहां पर सुनी जा रही होगी। दूसरी तरफ देखिए, एबीवीपी के छात्रों ने वीसी सचिवालय के अंदर प्रवेश की कोशिश की थी, उन्हें छात्रों को वहां से वापस खदेड़ा गया है और वो लोग वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं। पीछे पीछे पुलिस और आगे आगे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप, वीसी सचिवालय का जो गेट है उसे बंद करके यहां पर बैरिकेडिंग करके वहां पर भी छात्र घुस गए हैं। यानी पूरी तरीके से जो छात्रों का गुस्सा था, 1 साल से ज्यादा समय हो गया बैठक को, वो गुस्सा फूट पड़ा है और आज छात्रों ने मन बना लिया है कि अब तो आर पार की बात होगी। और आर पार की बात होने के साथ साथ में ही वीसी सचिवालय के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग चुका है। पूरी तरीके से जो है छात्र जो है वो पीछे जमावड़ा लग चुका है और छात्रों ने ये पूरा घेराव कर लिया है वीसी सचिवालय का। पूरी तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। पुलिस ने अब हाथ पर हाथ धर के पुलिस खड़ी है, क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के साथ साथ ही पुलिस के जवानों को हटाने के साथ साथ ही तमाम तरह के इंतजामों को फेल कर दिया है छात्रों ने। और यहाँ पर लगातार जो वाइस चांसलर है, सिंडिकेट मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वाकई सवाल तो उठता है कि सिंडिकेट मेंबर जो हैं वो जब छात्र हितों की बात कर रहे हैं तो वो इन छात्रों से मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं जो ये बता रही है, ये बताने के लिए काफी है कि जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं उनको कैसे पूरा जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। और ये देखिए पुलिस को देखिए आप, पुलिस खदेड़ रही है, भगा रही है, कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 साल बाद ये बैठक वहां पर की जा रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में। इस वक्त तब्दील है, लवली क्या हालात है वहां पर?
देखिए अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसा करके जो है यहाँ से छात्रों को खदेड़ने का जो प्रयास किया, उसके बाद में छात्र यहाँ पर लगातार और उग्र हो गए, प्रदर्शन हो गए। कुछ छात्र जो आपको नजर आ रहे हैं छात्र, ये तमाम छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ करके यहाँ पर घुस गए हैं और पुलिस का जाब्ता अब यहाँ पर बढ़ाया गया है। बैरिकेडिंग जो है वो चाक चौबंद आखिरी समय तक की गई थी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को भी छका करके ये छात्र नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं। बताइए क्या मांगे, क्यों बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत है, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी से हमारी साथ मांगी थी, उन साथ मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे। हमारी साथ मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन शुरू किया। वीसी साहब की तानाशाही हो गई है और पुलिस के साथ और समर्थन, पुलिस ने हमारे पर लाठियां चार्ज की। उनको ऐसा लगता है वीसी साहब को कि हम लाठी चार्ज से डर जाएंगे।